हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आज है संडे, है तारीख 26 मार्च। आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त स्वस्थ, एकदम चंगे दुरुस्त। बढ़िया है ना? ऐसे ही रहिए, पढ़िए, क्योंकि मन दुरुस्त रहेगा, चंगे रहेंगे एकदम ना, तो पढ़ाई में मन लगेगा। और पढ़ना है, चीज़ें आसान है, सिंपल है, हो जाएगी, घबराना नहीं है, डर के आगे जीत है। ठीक है, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। आप अपने मन से हारे रहोगे तो दिक्कतें हो रही, अगर जीत से हो कर ले जाएंगे, वी कैन डू इट, तो हम कर लेंगे, बढ़िया, परेशान नहीं होना। चलो ठीक है, आते स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। इस समय आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैंने 12 बजे की क्लास को लाइव लिया था, कल रात में ही बताया था और काफ़ी पहले अपडेट भी कर दिया था। बहुत सारे लोग गायब थे, बहुत बच्चे नहीं आए थे, मैंने अटेंडेंस भी ली थी, बहुत सारे लोग गायब थे, तो आप लोग भी थोड़ा पंचुअलिटी बनाइए। जब मैम प्रेजेंट हो रही है तो आपको प्रेजेंट होने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपको आना होगा, मैं लाइव आई थी, 1 घंटे पढ़ाया, क्वेश्चंस किया, बच्चों के डाउट्स सॉल्व किए, बातें हुई, आप लोग बहुत सारे लोग गायब थे उस समय, तो वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, 12 बजे हुई थी। और कुछ मैंने बाल विकास की क्लासेस को और आपके साथ शेयर किया था, पार्ट वाइज 4 पार्ट में है, तो वो भी अगर आप पूरा देख लेते हैं टाइम से, ताकि बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसे जो पुरानी क्लासेस हुई हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको भेज दूंगी, तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगा, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर हम कंप्यूटर के अति लघुत्व प्रश्न देखेंगे और जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा आज प्रश्न इसको करके हम ओवर करेंगे। बाल विकास की देखो एक बात ध्यान रखो, हर एक सिलेबस होगा लेकिन टाइम से होगा, भाग भाग कर नहीं करेंगे, कोई भागने की जल्दी नहीं है, अभी कोई चीज़ क्लियरेंस नहीं है, एग्जाम आपके अप्रैल लास्ट तक होने की उम्मीदें हैं, वो उम्मीद क्या 100% हो ही जाएगा। तो मैं पवन की सीरीज आपको करवा रही हूँ और राजन करवानी है, लेकिन अब एग्जाम की डेट नहीं आई, तो पवन को मैंने लिया है, जिसमें आपकी हिंदी मैंने पूरी कवर करवा दी है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद कंप्यूटर आपका चल रहा है, कंप्यूटर भी आपका जल्दी एक में जहाँ तक अगर आज हो गया तो आज खत्म कर देंगे। शिक्षण अधिगम आपका ऑब्जेक्टिव वाला चल ही रहा है, तो वो हो रहा है, और बाल विकास मैंने आज शुरू, तो 4 4 तो चल ही रहे हैं, 4 और बाकी हैं, तो सब करेंगे, संस्कृत भी करना, मैथ भी करना, लेकिन बारी बारी से करेंगे, एक साथ, मैं मशीन नहीं हूँ फ्रेंड्स, इंसान हूँ, सब नहीं कर सकती हूँ, तो हर चीज़ को PDF मैनेज करना, सारा एक एक तीनों का अलग अलग प्रश्न है, सबको मैनेज करने में जो जो जैसे इंपॉर्टेंट है वो हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो पेशेंस बनाइए, चीज़ें हो जाएंगी, परेशान आप कहिए कि बच्चा कहता संस्कृत करा दीजिए, बच्चा कहता मैथ करा दीजिए, तो ऐसे नहीं हो सकता है कि 1 घंटे में, 1 घंटे सारा दिन तो फिर आप ही के साथ चला जाएगा, फिर मैं अपना काम कब करूँगी? तो मैं जिस टाइम से मैं जैसे पढ़ा रही हूँ बता रही हूँ वैसे पढ़ते चलो, जो सीरीज आपके पास है उसको खुद से पढ़ो, अच्छे समझो, देखो मेरे साथ सिर्फ रिवीजन करना है, मेरे ऊपर डिपेंड करके नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ गाइड करूँगी, बताऊँगी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको सिर्फ मेहनत सुनना है उस चीज़ों को, बाकी मेहनत अपने आप से करनी है, सीरीज अपने आप से खुद पढ़िए, सारे खुद मैं रिवीजन करवा रही तो सुनते चलिए मेरे साथ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं अपने हिसाब से करवाऊँगी हर एक चीज़ को, बस ये है कि आपकी राय उसमें दे देती हूँ, ये पहले कर लेते, तो एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के चलेंगे, एक 8ों पेपर एक दिन में 8 क्लास नहीं मैनेज हो जाएगी और सबकी डिमांड नहीं पूरी हो सकती, टाइम टाइम से होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और राजन भी करवाएंगे, लेकिन पहले जब एक बार मैंने कह दिया कि मैं पहले पवन करवाऊंगी फिर राजन करवाऊंगी, तो राजन के आप लोग कमेंट देते मैम वो करवाइए, तो डेयर रुक जाओ, पहले वो कर लेते फिर उसको करेंगे, प्रॉब्लम क्या है, अभी डेट नहीं आई है तो दिक्कत नहीं महसूस करो, हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। रिवीजन हो रहा है, पुरानी क्लासेस को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, जिन्हें जो टॉपिक फंसता है, नोट्स अगर आपके पास नहीं है, मैंने कहा था नोट्स बना लो, इसीलिए बोला था कि एग्जाम के समय नोट्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लो, चाहे वीडियो से देख के बना लिए होते तब का, या बुक होती तब, या तो अभी भी अब समय नहीं नोट्स बनाने का, तो टेलीग्राम पर जाओ, राज सर से एक बात करो, उनसे ले लो और पढ़ो, जुट जाओ, अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा, सब हो जाएगा। ठीक है, ये एक अपडेट थी जो मैंने दी, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलता ही हमेशा के लिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, वैसे भी आप लोग का हाय हेलो तब तक का हो ही होगा कि मैंने भी 3 मिनट की इंट्रोडक्शन दे दी है, बातें बता दी हैं, जो भी चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी बताएंगे, और आप लोग का हाय हेलो हो ही गया होगा क्योंकि आप लोग का लंबा गुड इवनिंग चलता है, वो मैंने आज देख लिया, काफ़ी समय तक आप लोग गुड इवनिंग करते हैं, 10 15 मिनट तो आप लोग सुबह मेरा गुड इवनिंग ले लिए, कहाँ तक करवाया था याद है? कुछ याद है किसी को? ट्विटर सॉफ्टवेयर, MS पावर पॉइंट, वर्कशीट, आउटलुक, एक्सेस, विंडोज़, और ये सब हो गया था ना, हाँ MS एक्सेल क्या है, वर्ड, शायद ये नहीं हुआ था, हाँ मुझे जहाँ तक याद है आउटलुक वगैरह मैंने बता दिया था। ठीक है, हाँ ये बता दिया था, यहाँ से मुझे शायद करवाना, चलो देख लेते हैं फटाफट। पहला प्रश्न आज का है कि MS एक्सेल विंडो में प्रयुक्त कमांड कौन कौन से हैं, जैसे उसमें कौन कौन से कमांड होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो टाइटल बार होता है सबसे ऊपर होता है, वहाँ पर हर एक उसमें होता है, सिर्फ ये एक्सेल में ही नहीं, वर्ड में भी और एक्सेस में भी, पावर पॉइंट में भी होता है, तो टाइटल पर एकदम ऊपर वहाँ पर टाइटल लिखा है, जैसे मैं सेव कर दूँ कोई एक फाइल शालिनी .1, तो शालिनी .1 ऊपर दिखता रहेगा,
फाइल टैब होती है, यहाँ पे फाइल टैब का एक ऑप्शन बना रहता है लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट साइड में। उसके बाद स्क्रॉल बार होता है, इधर स्क्रॉल बार, इधर स्क्रॉल बार होता है। प्रोग्राम की एक विंडो होती है, नेम बॉक्स भी बना रहता है, जूम स्लाइडर भी नीचे होता है, क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है जहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ों को जो है एकदम ऊपर टॉप पे होता है, हम वहाँ से प्रिंटर का ये या प्रीव्यू का, सेव का, सेव एस कैसे, बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ से क्लिक करके तुरंत एक्सेस कर लेते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे वहाँ पे ऑप्शन रहते हैं। एम एस एक्सेल के प्रमुख प्रयोग क्या है? एम एस एक्सेल एम और एस लिखा रहता है, एक्सेल ई एक्स सी ई एल लिखा रहता है। एम एस एक्सेस, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस वर्ड, सब अलग अलग है, चार ऑफिस है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। एम एस एक्सेस जो है वो अलग है, एम एस एक्सेल जो है वो अलग है। बात यहाँ पर एम एस एक्सेल की हो रही है, जिनका उपयोग पूछ रहा है। तो संयुक्त कार्यों का एक संचालन, ढेर सारे कामों को एक साथ लेकर अलग अलग शीट पर कॉल करना, चार्ट बना लेते हैं हम, उस पर संख्यात्मक गणना, जहाँ पे गणित के सवाल हैं, गणित की चीज़ें, कैलकुलेशन वो कर लेते हैं, सूचियाँ लिस्ट बना लेते हैं, उसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं कितना माल है, कितना गया है। मुनी वाला जो काम होता है थोड़ा सा इनसे ज़्यादा, इनसे ज़्यादा वर्क होता है, काफ़ी बढ़िया होता है, क्योंकि इसे फॉर्मूला मिलता है तो हम फॉर्मूला लगा के चीज़ों को फिगर आउट कर लेते हैं, कितना माल गया, कितना माल बचा, कितना आया, ऐसी चीज़ें वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है एम एस एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो 16384 यहाँ पर आपके इस यहाँ पर आंसर में लिखा हुआ है कि जितनी शीट होती है एम एस एक्सेल में, तीन डिफॉल्ट शीट होती है, उसके अंदर जो वर्कशीट के कॉलम होते हैं उनकी संख्या कितनी। तो कभी कभी रो का भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल है कि ये आएगा, लेकिन ये एक कैलकुलेशन का सेट है, मे भी आए। एम एस वर्ड के जनक कौन है? तो विलियम हार्वेरी गेट्स थर्ड। ठीक है, नहीं आएगा, बहुत अंतर का है, इतना नहीं पूछेगा। एम एस एक्सेल क्या है? ये आ सकता है, जो कि अच्छा 99% उम्मीद है कि ये आएगा, ध्यान रखिएगा। तो एम एस एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस और ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल और प्रभावशाली ढंग से किया जाता है, ये होता है एम एस एक्सेल। ठीक है, देखिए एक सिंपल सी बात मैं बताती हूँ, ये तो आपके पवन की सीरीज की भाषा में था। अगर मेरे से कोई पूछता है कि शाली व्हाट डू यू मीन बाय एम एस एक्सेल, देन आई विल गिव एग्जांपल, या मैं उनको एक्सप्लेन ये करूँगी कि एम एस एक्सेल, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, मैं जैसा बोल रही हूँ ऐसा लिखूंगी, जिससे कोई पूछे तो मैं यही बताऊंगी कि सर एम एस एक्सेल, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, इसे एक्सेल के नाम से भी जानते हैं, ये एक स्प्रेड शीट प्रोग्राम, स्प्रेड शीट है, एस पी आर ई ए डी, स्प्रेड शीट, एस एच डबल ई टी, स्प्रेड शीट प्रोग्राम है, जो आंकड़ों को टेबुलर फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्म में, रो एंड कॉलम में ओपन करता है, जहाँ पर हम ओपन कर सकते हैं, उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्रिंट आदि जैसे कार्य यहाँ पर हम कर सकते हैं। बस सिंपल सी बात, इतना एनफ है एक नंबर को लेने के लिए, एक नंबर के चीज़ों को बताने के लिए। ठीक है, जहाँ पे हम डाटा को कैलकुलेशन रूप में भी हम स्टोर करते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे संबंधित आप बता सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम डाटा एंट्री के लिए भी बहुत सारे फीचर्स दिए रहते हैं, हम किसी प्रकार के डाटा, छोटा हो या बड़ा हो, बहुत बड़े बड़े कंपनी के डाटा होते हैं, उनको हम यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, यू वर्क कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलो, एम एस पावर पॉइंट क्या सॉफ्टवेयर है? तो एम एस पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ग्राफिकल चीज़ें होती हैं, जैसे जो आप बहुत टॉम एंड जेरी का गेम देखते हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ें क्या चूहा और बिल्ली असली में होता है, नहीं, सब वो क्रिएटिव होता है। तो जो एनिमेटेड चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं इन हद तक, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं उनके ऊपर ये क्रिएशन किए जाते हैं, जिसको 3D एनिमेशन वगैरह कहते हैं, उसके ऊपर सब बनता है। तो फिलहाल के लिए हमसे पूछा गया है कि पावर पॉइंट कैसा है, तो ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बस आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी सिंपल लाइन लिख देनी है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट, डाटाबेस क्या होता है? लिखिए, एक नंबर दो नंबर बन सकता है, वैसे हम एक नंबर का पढ़ रहे हैं। किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित डाटा, यानी कि रखे हुए आंकड़े हैं जो डाटा है, को कंप्यूटर डाटाबेस कहते हैं। अगर कंप्यूटर में कोई डाटा है, कोई पिक्चर है, कोई मूवी, कोई फाइल है, कोई लिस्ट है, मेहमानों की कोई लिस्ट है, खाने की कोई लिस्ट है, कपड़े की कोई लिस्ट, कुछ भी किसी भी प्रकार की लिस्ट है, ठीक है, कितने एम्प्लॉय है उनकी लिस्ट है, कितने लोगों को ले सैलरी दे दी गई, कितने महीने को अभी नहीं दिया गया है, क्या चीज़ें हैं, तो कुछ भी अगर कंप्यूटर में रखा है तो वो कंप्यूटर का डाटाबेस कहलाता है। इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण
करते ही हुए संग्रह किया था। मतलब हम जैसे इनको रखते हैं तो एक कुछ ना कुछ वहाँ पर टिक या मार्क या कोई पॉइंट फिलअप करते हैं कि ये चीज़ें ओवर हो गई, इस महीने में इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आंकड़ों को संग्रह करने और उनको प्रबंध करने और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उन्हें हम डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। सिंपल सा, सस्ता, बेस्ट टिकाऊ आंसर। ठीक है, पसंद आ रहा है तो लाइक भी करो चलो फटाफट, जो ना किया हो। कम ऑन फ्रेंड्स, कहते तो हैं बहुत सारे कि मैम ये है वो है, तो फटाफट कर दो ताकि मैम जब देख लें कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं, बाद में क्लास का जब रिस्पॉन्स देखती हूँ तो खुशी हो कि हाँ चलो बच्चों ने बात को सुना, आगे बढ़े। और आज तो लाइव में आई थी तो अब लाइक तो भी बनता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? तो ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS होता है, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर बड़े बड़े डाटाबेस को मैनेज किया जाता है आगे अपने काम को सुचारू रूप से अच्छा चलाने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, IPO का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म इनपुट आउटपुट इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल, IPO, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। एनी प्रॉब्लम? नो। वैन का प्रसार कितना होता है? तो वैन का प्रसार पूरे संपूर्ण देश और विश्व के किसी भी कोने तक, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही है वाइड एरिया नेटवर्क, जहाँ पर हम कंट्री टू कंट्री कनेक्ट होते हैं। क्लियर? रोम का पूरा नाम रीड वनली मेमोरी, तो फुल फॉर्म आता है जो कि मैंने आपको 12 बजे वाली क्लास में शॉर्ट टर्म में फटाफट दिखाया था, इसीलिए आप देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव में ही मिले, ऐसा लिखने को भी आ सकता है, तो दोनों तरीके से हम प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण प्रिंटर में मुद्रण की तरह क्रिया शांत होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसकी क्रिया और इसके काम में शांति होती है थोड़ी सी। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण। लेज़र प्रिंटर जो होता है, जो लेज़र बीम्स होती हैं, जो लाइट्स पड़ती हैं उनके द्वारा जो प्रिंटिंग होती है, वो नॉन इम्पैक्ट का एग्जांपल है क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं होती। इन प्रिंटर में एक ही बार में एक ही चीज़, इसमें क्या होता है कि एक बार में एक ही चीज़ प्रिंट होती है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जो अपनी जब प्रिंट करता था तो अपनी छाप छोड़ता था और आवाज़ भी करता टक 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 टक, और लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट में प्रिंट तो होता है एक बार में एक ही, लेकिन वो छाप मतलब जैसे आवाज़ नहीं करता जाता है। तो इम्पैक्ट के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं जो आवाज़ नहीं करते हैं, नॉन इम्पैक्ट में बहुत सारे ऐसे आते हैं जो आवाज़ नहीं करते, इम्पैक्ट में बहुत सारे ऐसे आते हैं जो खूब आवाज़ करते हैं। तो कई विभिन्न विभिन्न तरह के होते हैं, सब अपने यूज़ के हिसाब से लोगों को यूज़ करते हैं। आगे चलिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? बहुत बार ही मैंने इसको बताया कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है, राउंड एंड राउंड राउंड एंड रिपीट एंड रिपीट रिपीट हो रहा है। तो ऐसे प्रश्न आपको छांट कर रखने होंगे, यार ये तो इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है तो इसका मतलब ये आना ही आना है। ठीक है, चलिए, तो वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए विभिन्न भागों की देखभाल करता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो उसमें रहते हैं उन सबकी केयर टेकर करता है, देखता है सभी की क्षमता को अच्छे से प्रयोग करने के लिए लिखे बनाए जाते हैं, तो उनको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिंपल, सस्ता, टिकाऊ, बेस्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम लग रही है यहाँ यहाँ तक आप लोगों को प्रॉब्लम लग रही है? होनी नहीं चाहिए। आज मैं आपके जो कंप्यूटर का ये अति लघुतरी एक नंबर वाला ये ओवर कर दूंगी, कंप्यूटर की सीरीज भी ओवर कर दूंगी। कंप्यूटर के सीरीज जो अति लघुतरी सॉरी लघुतरी वाले जो दो नंबर के हैं वो नहीं करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने देखा वो बहुत बोरिंग बकवास से दिए हैं, उनको फिलहाल हम नहीं करवाएंगे। अब हम आपको दो ही करवाते चलेंगे, एक लघुतरी वाला और एक ऑब्जेक्टिव वाला। और उसके अति लघुतरी वाला हम जो किसी और सब्जेक्ट का जिसमें देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम करवा देंगे जो आप लोग कहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ना कि हम लोग लघुतरी जो बड़े वाले होते हैं उनको लिख लेते हैं, गलती हम सिर्फ इसी दोनों में करते हैं, अति लघुतरी और उसमें। तो वैसे ही 25 नंबर का पेपर हम लोग जितना अभी तक पढ़ लिए बहुत है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनने वाला है। तो आज मैं आपका कंप्यूटर की जो सीरीज़ है वो ओवर कर दूंगी, इसको हम लोग बोलेंगे टाटा बाय नमस्ते। फिर कोई एक नई सीरीज जो कि मैंने सोचा है कि संस्कृत को मैं पिकअप करूंगी, तो संस्कृत चलेगा और आपका बाल विकास और शिक्षण अधिगम, ये तीन चलता रहेगा। ठीक है, फिर जो खत्म हो जाएगा ऐसे तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पकड़ लेंगे, ताकि हर एक चीज़ को करते चले, अभी सोशल साइंस भी करना है, साइंस भी करना है, तो सब कुछ बचा हुआ हो जाएगा, परेशान नहीं हो। ठीक है, चलो आओ। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर सूचनाओं को खोलता है और वेब पेज को आपके सामने ले आकर प्रेजेंट करता है, आपको हर चीज़ दिखाई देती है, और आप उस मीडियम के थ्रू जाकर सर्वर पर कॉन्टैक्ट करके कोई चीज़ को सर्च कर पाते हैं। BIOS क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फुल फॉर्म ऐसा सिंपली लिखकर छोड़ देगा, नो टेंशन, नंबर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, विंडोज स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। विंडोज स्क्रीन का डेस्कटॉप मतलब क्या होता है? डेस्कटॉप जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह जो आते हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। और विंडोज स्क्रीन जब आप पहली बार खोलते हो, आप अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को जब कभी ओपन करते हो, तो वहाँ पर वेलकम टू को लिखा रहता है, चाहे विंडो है या कुछ भी है, तो जो स्क्रीन बैकग्राउंड खुलकर आता है उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कई पेपरों में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने करवा दिया।
आइकन क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो विंडो डेस्कटॉप पर जो भी छोटे छोटे एप्लीकेशंस के रूप में डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट दिखते हैं आपको, वो सभी के सभी आइकन होते हैं। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट, माई नेटवर्क प्लेस क्या होता है, तो इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर और फाइल को हम देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जितने भी नेटवर्क फाइल फोल्डर्स होते हैं उनको हम आसानी से देख के एक्सेस कर सकते हैं। एमएस वर्ड क्या होता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन होती है सॉफ्टवेयर, जहाँ पर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर हम अपने से कोई फाइल है, डाटा है, रिज्यूम है, और अपना सीवी है, या कोई स्टोरी है, या कोई ब्लॉग है, तो वहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं, देखते हैं, फाइल बनाते हैं, कुछ लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से उपकरण होते हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क जब कभी भी एक नेटवर्क का फॉर्म होता है, एक नेटवर्किंग क्रिएट होती है, तो वहाँ पर तार लगा है, वहाँ पर हब होता है, स्विच होते हैं, राउटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखती हैं। एनिमेशन क्या है, तो एनिमेशन हरकत या भ्रम पैदा करने के लिए 2D या 3D की कलाकृति होती है, जैसे मॉडल की छवियों को तेजी से प्रदर्शित करने वाला एक अनुक्रम है। ये एक तरीका होता है, टेक्नोलॉजी होती है एनिमेशन, जिसके द्वारा कार्टून्स को और खिलौनों को, जानवरों को एनिमेटेड बनाया जाता है। उसमें आवाज, गाय की आवाज़ थोड़ी, आपको गाय की आवाज़ सुनाई तो दी है वो दूसरी, लेकिन गाय बोलते वक्त नहीं दिखी है आपको कभी उस तरीके से जैसे हम बोलते हैं। तो ये, और एनिमेशन में गाय भी बोलती है, उसमें भी बातें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जब हम 2D 3D क्रिएशन करते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो सारा एनिमेशन के अंतर्गत आता है। आगे चलिए, स्पैम किसे कहते हैं। स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल होता है जो विज्ञापन से भरा होता है। वो हमारे फ़ोन में जब कभी भी नेट को खोलते हैं तो हमारे बहुत सारे ईमेल्स पे भी आता है, गूगल करने पे भी आता है, ऐसे ऐड आते रहते हैं, और हमसे गलती उस पर क्लिक हो जाता है, फिर हमारे डाटा वगैरह जो होते हैं या अकाउंट की डिटेल वगैरह जो होती है, वो वहाँ से हैकर बैठे होते हैं वो चुरा लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो ये एक असंगत, एक नहीं चाहा वाला मेल होता है जो हमारे फ़ोन पर अक्सर आता है, हमारे फ़ोन ई मेल मैसेज मेल वगैरह आता रहता है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता होती है, तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में एक मॉडेम का प्रयोग होता है। एक मॉडेम क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंटरनेट से बहुत इजी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। वाई मैक्स क्या होता है, तो वाई मैक्स एक दूर संचार की कम्युनिकेशन करने की एक तकनीक होती है, जिसके द्वारा इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को बिना तार के सहायता, जैसे ब्लूटूथ होता है, वायरलेस होता है, तो वैसे ही उसी रेंज के इर्द गिर्द क्रिएट करके एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से आराम से कनेक्ट कर देता है, जिससे चीज़ें शेयर हो जाती हैं और आपको कोई तार वार की ज़रूरत भी वहाँ पर फिलहाल तत्काल के लिए नहीं पड़ती है। क्लियर, यहाँ तक सिंपल है। आगे चलो, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं बोला, लेट जो ज्वाइन करते हैं क्लास को वो टाइम पर ज्वाइन किए तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, वरना आपकी आधी चीज़ें मिस हो जाती हैं, फिर आप ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स। बहुत देखो, डरो नहीं लेकिन पढ़ो उसको। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम में किस साथ है, तो ये एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम और डबल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूज़र भी होते हैं जिसमें ये, लेकिन डीप प्रश्न है जो कि नहीं पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत कम उम्मीद है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा आएगा, आया नहीं कई सालों से। विंडो डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाते हैं, तो आइकन के द्वारा। जो विंडो की डेस्कटॉप सबसे पहले स्क्रीन खुलती है, तो वहाँ पर छोटे छोटे डिब्बे नुमा बने रहते हैं, वो आइकन कहलाते हैं, जो कि काफ़ी अलग अलग एप्लीकेशन के होते हैं। हम उनको शॉर्टकट के रूप में वहाँ रखते हैं, ताकि हम जब भी खोलें तो अंदर जाने के बजाय बाहर से ही क्लिक करके ओपन कर लें। आगे चलिए, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करते हैं। जब नाम ही कंट्रोल यूनिट का है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर जो सिस्टम होंगे, कार्य होंगे, जो भी चीज़ें इनबिल्ट होंगी, जो फंक्शन उसमें लगाए गए होंगे, उनको कंट्रोल करेगा। ये कंप्यूटर के हर एक घटक को, कंपोनेंट को मैनेज करने का काम, कंप्यूटर की मेमोरी से जानकारी को लेना, इसे पढ़ता है, फिर उन्हें सिग्नल्स के रूप में जारी करता है, बदल देता है, और फिर जो है काम शुरू करता है, आउटपुट देता है। तो मतलब हर चीज़ को मैनेज करना, सुपरवाइजर का काम जो होता है वो कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल को शॉर्ट फॉर्म में CU कहते हैं, ये हर चीज़ को मैनेज करता था, काम हुआ नहीं हुआ, देख रेख हुई, कहाँ दिक्कत हुई, ऐसी चीज़ों को चेकिंग करता है। सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं, ये कंप्यूटर का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा विख्यात होता है, अधिक गणित गति, इसकी बहुत संग्रह होती है, तेज़ होती है, काम करने के लिए यूजर फ्रेंडली भी हो जाता है, काफ़ी विशाल संख्याओं को मिलियन सेकंड में कर देता है, कैलकुलेशन कर देता है, स्टोर करके सब रखा रहता है, तो ये सारे सुपर कंप्यूटर में आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का जो समूह होता है, जो प्रोग्राम्स का सेट होता है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा ये दी गई, ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें नहीं गलत होती हैं, इसलिए बहुत बढ़िया ये लिख सकते हैं एक नंबर में। वेबसाइट में होम पेज का अर्थ क्या होता है, होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के बाद एक्सप्लोरर को रन करते ही सीधा हमारे सामने स्क्रीन पर आता है। होम पेज वो होता है, जैसे आप कभी कोई चीज़ कोई साइट खोल रहे हैं, आप किसी के बारे में खोल रहे हैं, तो वहाँ पर लिखेगा वेलकम टू दिस प्लेस, वेलकम टू हियर, वेलकम टू आगरा, वेलकम टू वृंदावन, वृंदावन, वेलकम टू इस्कॉन टेम्पल, बस उसकी साइटों पर जाओ, वेलकम टू दिस होटल, वेलकम टू जोमेटो। आप कोई भी अगर आप देखोगे तो जो होम पेज लिख के आता है आपके स्वागत के लिए, वो आपका होम पेज होता है, जो कि स्क्रीन पर खुल के आपके सामने आता है। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन समय में गणना के लिए अबैकस का प्रयोग करते थे, या पहले तो गिट्टियों से गिनते थे कि इतने जानवर गए हैं, जितनी गिट्टी कर दो, फिर अंदर आ गए इतनी, ऐसे से काउंट करते थे।
इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मुख्य प्रयोग कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मुख्य प्रयोग एमएस एक्सेल में किया जाता है, जहाँ पर हम जो है आई कार्ड वगैरह भी बनाते हैं, आईडेंटिटी कार्ड वगैरह बनाते हैं और अटेंडेंस शीट रिजल्ट वगैरह भी बना लेते हैं आसानी से। एसटीटीपी का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू है? एनालिटिकल इंजन का। किसका? एनालिटिकल इंजन का। ये एक डीप प्रश्न नहीं आएगा, बहुत कम उम्मीद है कि ऐसा आएगा। इनपुट डिवाइस का क्या कार्य होता है? आंकड़े में, कंप्यूटर में जितने आंकड़े हैं, जो निर्देश वगैरह दिए जा रहे हैं, उनको देने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर को आप कोई काम बताना चाहते हैं, उसको बोलेंगे हे कंप्यूटर तुम ये चीज़ सर्च करके दे, तो कभी नहीं देगा। आप उसको जब तक टाइप करके एंटर करके नहीं देंगे, वो कभी नहीं है। बात मेरी समझ में आ रही है? सिंपल आते हैं, मैं बोलती जा रही हूँ, जितने आपके टॉपिक आ रहे हैं पढ़ा भी रही हूँ, बता भी रही हूँ, जो टॉपिक इसमें गलत है वो भी हटा रही हूँ, किस लेवल में आएगा वो भी बता रही हूँ, ठीक है? अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करो। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में स्पीड किसे नापते हैं? तो मेगाहर्ट्ज़ में। किस में? मेगाहर्ट्ज़ में नापते हैं। कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? दो प्रकार की मेमोरी है, एक प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। आप सभी जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए फिजिकल रूप से आंकड़ों को बैकअप के रूप में रखा जाता है। यह आकार में थोड़ी बड़ी होती है, प्राथमिक स्टोरेज में थोड़ी कमी धीमी होती है। फ्लॉफी डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लैश, सेकेंडरी डिवाइस, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इनका जो स्टोरेज होता है वो बड़ा स्टोर रूम, एक प्रकार से जान लो प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो किचन में डिब्बे होते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो स्टोर रूम होता है। ये मैंने आपको एग्जांपल के दौरान कई बार ही बताया। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और बैकअप प्लान के हिसाब से उसको रखा जाता है, ठीक है? आगे चलो, यहाँ तक बात क्लियर है। रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसको वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूह का एक संयोजन का सेट ऑफ प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है, जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के मध्य में एक संबंध को स्थापित करता है, प्रणाली को बनाता है, जिससे कार्य आसान हो जाता है, ठीक? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। नोटपैड क्या होता है? ये एक प्रकार का मेनू आधारित प्रोग्राम होता है, जैसे बहुत सारे मेन्यू दिए होते हैं। नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल को हम .txt के नाम से सेव करते हैं, ये उसका नोटपैड के फाइल का एक्सटेंशन होता है ये। और इस प्रोग्राम को चलाने के लिए मॉनिटर स्क्रीन पर आपको कीबोर्ड और भी बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर आप बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए होते हैं, उन मेन्यू से जाके खोल के काम कर सकते हैं, ठीक है? नोटपैड अक्सर हम फाइल वगैरह बनाते हैं। अब देखिए, फिर पूछा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? 2019 से प्रश्न पूछा है, काफ़ी बड़ा इनका दे दिया, पढ़ लेते हैं फटाफट क्या दिया है। सामान्यतः कार्यालय में, मतलब ऑफिस में, स्कूल में, घर में हम प्रयोग किए जाने वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो डेस्कटॉप या पीसी कहलाते हैं। डेस्कटॉप पीसी का निर्माण करने वाली बाजार की जो कंपनी वो आईबीएम और मैकिन्टोश है, जिन्होंने इसको बनाया था। सामान्य रूप से कह सकते हैं डेस्कटॉप पर ही पीसी के रूप में जाना जाता है, कैबिनेट होता है, ये सही भी। फ्रेंड्स कुछ नहीं लिखोगे, 2019 का प्रश्न है, अपने आप जो डेस्कटॉप के बहुत सारे प्रोफेशन मैंने बताई है वो लिखना, ये सब कुछ मत लिखना, इतना लिख नहीं पाओगे, किसी को कुछ नहीं याद रहेगा, तो ध्यान रखना, ठीक है? छोटा सा लिखना है, इतना लिखना भी नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कई बार मैंने बताया है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के उस समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए, कि कंप्यूटर सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, देखभाल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ये सब उसके हाथ में होता है। 2019 का एक अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं, एमएस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि मैंने ऊपर भी आपको बताया, जहाँ पे हम ग्राफिक्स से चीज़ों को बनाते हैं, खिलौने, कार्टून, ये तमाम चीज़ें, जहाँ पर हम प्रोजेक्शन डिवाइस को, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्शंस को भी स्लाइडों के थ्रू हम वहाँ पर स्लाइड चलती रहती है, एक के बाद एक के बारे, ऐसा लगता है कि जैसे वो चीज़ चल रही है। तो इसका प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइस होती है, जो बाइनरी कोड में आंकड़ों को परिवर्तित करती है और कागज़ पर उनको छाप देती है। ये दो प्रकार का होता है, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2019 का बेस्ट प्रश्न। वर्कशीट किसे कहते हैं? वर्कशीट एरिया एमएस एक्सेल में होता है। विंडो का सबसे बड़ा भाग वर्कशीट एरिया होता है। डाटा को इसी एरिया में हम इनपुट करके रखते हैं, जो नंबर वगैरह देते हैं 2, 3, ये सब इसी वर्कशीट की सेल बनी होती है उसमें देते हैं, और सभी सेल वर्कशीट एरिया के अंतर्गत आते हैं, जो कि एमएस एक्सेल का हिस्सा होता है। स्पैम किसे कहते हैं? इंटरनेट जो अनचाहा ईमेल आ जाता है उसको हम स्पैम कहते हैं। 2019 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कई तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्लियर? चलो, आपका जितना भी अतिलघुतरी कंप्यूटर से था वो आज हो गया ओवर। पूरा पीडीएफ मैंने आपको पढ़ा दिया, पूरी बातें मैंने आपको पवन सीरीज से बता दी, हर एक पॉइंट को मैंने क्लियर करके समझा दिया। तो मैं कंप्यूटर की जो सीरीज़ है उसका आपको ऑब्जेक्टिव और अतिलघुतरी करवा दी है। लघुतरी का प्लान मेरा नहीं है, क्योंकि प्रश्न उसमें वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जितना भी था सब कुछ दिखा दिया, बता दिया, आपको बेस्ट है। अब एक बार राजन वाला और कर लेंगे हम लोग एग्ज़ाम से पहले, और एक मैराथन क्लासेस की कर लेंगे लास्ट में, एग्ज़ाम के एक दिन पहले। तो आपका सब कुछ रिवीजन हो गया। अब आप लोग पढ़ो, रिवीजन करो, हर चीज़ बता देंगे, कर देंगे। अगर ये सब नहीं पढ़ा है, नहीं जानकारी है, आप कई बार पढ़ रहे हैं, ऑप्शन देख कर कर ले रहे हैं, बाद में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप तो बुक अगर है तो बुक से एक बार फिर से पढ़ लो, बैठ जाओ कंटेस्ट होकर। नहीं है तो नोट्स ले लो, वहाँ से फटाफट रिवीजन कर लो। लिखने की ज़रूरत नहीं है नोट्स को, क्योंकि टाइम नहीं है।
पीडीएफ फोन में ही लेके फटाफट पढ़ लो, दो तीन बार रिवीजन कर लो, एक टारगेट कर लो कि एक दिन पूरा कंप्यूटर पढ़ डालेंगे, तो इस सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। मत परेशान हो, भागो नहीं, धैर्य से रुक रुक के करो, हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।